तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। बेसिकली गाइस, आज के वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके पास जियो टीवी है एंड अगर जियो टीवी जो आपका मोबाइल पे या लैपटॉप में नहीं चल रहा है या आपका जो है टैबलेट पे नहीं चल रहा है, तो आप कैसे इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जियो टीवी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि आप जो है इसमें जितना भी मैच है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, सभी जो आप जियो में देख सकते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। ऐसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको रिचार्ज करना पड़ता है एंड बट आप जियो टीवी में ये फैसिलिटी पा सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ, ये जो जियो टीवी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ओपन नहीं हो रहा है, नॉट प्ले हो रहा है, एरर 404 दिखा रहा है, या तो फिर वीडियो जो है रिट्राई शो कर रहा है, तो आप इसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं जियो टीवी यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे मैंने जियो टीवी ओपन किया तो यहाँ पे जो है प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आप देखिए, यहाँ पे सभी जो है लाइव जितना भी है, जो अभी इस मैच चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे लाइव में इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोसेस होगा एंड ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका प्ले नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको जो एक काम करना है एंड अगर एप्लीकेशन भी ओपन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जियो टीवी एंड जैसे जियो टीवी सर्च करोगे आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है अगर अपडेट वर्जन अवेलेबल है, ऑब्वियसली उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है एंड आप देखोगे आपका जियो टीवी प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी आपको यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है। तो सिंपली जियो टीवी के ऊपर प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पे आपको ऐप इन्फो इसके ऊपर चले जाना है। तो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके जितना भी क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा है बिल्कुल 00 कर देना है। एंड यहाँ पे एक चीज़, अगर आपने कुछ डाउनलोड करके रखा है तो आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगेन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो अगर आपको यहाँ पे जो मैं सेटिंग बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ऐप सेटिंग नहीं मिल रहा है, ऐप इन्फो, तो आपको डायरेक्ट सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट ढूंढ लेना है। ऐप मैनेजमेंट ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे ऐप का जितना भी सेटिंग है सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ऐप सर्च किया, ऐप आ गया एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐप सेटिंग एंड यहाँ पे आपको जियो टीवी मिल जाएगा। तो जस्ट आपको जियो टीवी जाने के बाद अगेन आपको क्लियर कैश डाटा कर देना है, फिर आपका ये काम करना शुरू कर देगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार 100% आपका जो मोबाइल का सेटिंग चेंज करना है। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू की वजह से हो रहा है, तो सिंपली सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है रीसेट। रीसेट सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे एक बार सर्च कर लेना है एंड यहाँ पे रीसेट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे रीसेट ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। तो अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो या मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो, तो आपको नीचे शो कर देगा। अगर मोबाइल डाटा यूज करो, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी सिम है उसके ऊपर क्लिक करके रीसेट सेटिंग कर देना है। यहाँ पे रीसेट सेटिंग करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है एंड यहाँ पे कोई भी डाटा लॉसेस नहीं होगा आपका, खाली मोबाइल का जितना भी नेटवर्क का सेटिंग था सभी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी डाटा लॉसेस नहीं होगा, फ़ोन स्टोरेज या गैलरी या तो फिर आपका एसडी कार्ड से डाटा लॉसेस नहीं होगा। तो इसके बाद देखोगे आपका जियो टीवी जो है प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है एक बार फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हो एंड उसके बाद देखोगे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड अगेन आपको अलाउ करके ओटीपी ले लेना है, आपको मोबाइल नंबर देके उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो जियो टीवी में जितना भी इशू है, जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हो ऐप में एंड आपका मोबाइल पर अगर नहीं चल रहा है, टैबलेट पर नहीं चल रहा है, लैपटॉप पर नहीं चल रहा है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया एंड अगर वीडियो पसंद आए जाना जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।